स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 13 इनसाइड अवर अर्थ, जो कि आपको पेज नंबर 112 पर दिए हुए हैं, है ना। तो उस पर आपको एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, तो एक्सरसाइज को आपको खुद से चैप्टर रीड करके फाइंड आउट करना है एंड उसको पूरा फिल करके आपको ग्रुप में उसकी पिक सेंड करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वॉट आर सिस्मिक वेव्स। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा, सिस्मिक वेव्स आर द वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वॉट डू यू मीन बाय फॉसिल्स। तो फॉसिल्स का आंसर क्या होगा, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ यू हैव टू स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वॉट डू यू मीन बाय सेडिमेंट्स। तो आंसर क्या आएगा, सेडिमेंट्स आर द ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स कैरिड बाय रनिंग वाटर और विंड टू डिपॉजिट इन एन एरिया। ओके, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन यू हैव टू स्किप। नेक्स्ट हम लिखेंगे सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, नेम द थ्री लेयर्स प्रेजेंट इन द अर्थ इंटेरियर। तो कौन कौन सी होती है थ्री लेयर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आर द थ्री लेयर्स प्रेजेंट इन द अर्थ इंटेरियर। ओके, नेक्स्ट एट एंड नाइन क्वेश्चन यू हैव टू स्किप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, वॉट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आंसर क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द चेंज्ड फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर एग्जर्टेड ऑन डैम। ओके, उसके बाद का जो आपको क्वेश्चन दिया है फोर्थ नंबर पर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। ओके, तो आपको अपनी ज्योग्राफी की कॉपी में लिखना है और इसकी पिक आपको ग्रुप पर सेंड करना है एंड लर्न करना है। हैव अ नाइस डे।